हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरी स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एसे ऑन वैल्यू ऑफ टाइम इन इंग्लिश। वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय की कीमत का जो अहमियत है, समय की यानी टाइम की जो अहमियत है, उस पर मैं आज आप सभी के साथ ये शेयर करूंगी दोस्तों। सो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जो लोग ने सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों में, अपने सारे रिलेटिव्स में। और चलिए शुरू करते हैं एसे ऑन वैल्यू ऑफ टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में इस वीडियो को मैं आपको पढ़ूंगी, और उसके साथ ही साथ मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी दूंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। There is a saying that time and tide wait for none. The saying is indeed true. आप सभी ये बात आपने सुनी होगी कि टाइम एंड टाइड नेवर वेट फॉर नॉन, मतलब ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सो यह जो बात है ये एकदम सही है दोस्तों। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनी वन एंड नो वन कैन स्टॉप और रिवर्स टाइम। टाइम यानी वक्त किसी के लिए रुकता भी नहीं है, और कोई भी वक्त को रोक भी नहीं सकता है, और वक्त में पीछे भी नहीं जा सकता है। हम सभी ये बात सोचते हैं अपने ज़िंदगी में, काश मैं उस वक्त में पीछे जा सकता होता तो मैं ये नहीं करता या मैं वो नहीं करता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। टाइम विल कीप गोइंग वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। टाइम जाता रहेगा, अगर आपका अच्छा आएगा तो आप इसको पसंद करते हैं, और अगर आपका बुरा वक्त चलता है तो आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन ये आपको पसंद आए या ना आए, टाइम चलता रहेगा आपके लिए, अच्छा हो चाहे किसी और के लिए अच्छा हो। टाइम सबके लिए भी अच्छा होता है, कभी किसी के लिए अच्छा भी नहीं होता है, इसलिए टाइम हमेशा चलता रहता है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, चाहे वो आपका अच्छा टाइम चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। इट मूव्स एट इट्स ओन पेस एवरी सेकेंड द मिनट एंड आर दैट आर मूविंग फॉरवर्ड विल नॉट कम बैक। हर एक सेकेंड टाइम अपने खुद के स्पेस में, टाइम का खुद का एक पेस है, वो स्पेस में चलता रहता है, वो नहीं रुकता किसी के लिए। हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा जो अभी गुजरता जा रहा है, इवन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, तब भी जो वक्त गुजर रहा है वो दोबारा वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, न मेरी ज़िंदगी में आएगा, न ही आप में से किसी की ज़िंदगी के लिए आएगा, इस वक्त आप जो भी कर रहे हो। नाउ अ डेज वी कैन सी दैट पीपल वेस्ट सो मच ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। आजकल के दौर में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा कीमती जो वक्त है वह सभी सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा पर वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? एक रील स्क्रॉल करते हैं, फिर दूसरी, तीसरी आती जाती है, आती जाती आती जाती है। 5 मिनट सोचा था कि इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ कर लूँ, और कब वो आधा एक घंटा हो गया पता नहीं चलता। टाइम जाता कैसे ये नहीं पता चलता, लेकिन वो जब चला जाता है तब ऐसा लगता है कि बाप रे, मैंने पूरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया या कर दी। इट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि आप रील देख रहे हैं, आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है, बट उससे किसी और का तो घर भी चल रहा है। मतलब कोई रील बना कर आप लोगों के लिए शेयर कर रहा है, किसी और की आप देख रहे हैं, तो उसको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं मिल रहा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। दीज ऐप्स कंज्यूम सो मच ऑफ आवर टाइम दैट वी डू नॉट इवन रियलाइज। हमको पता भी नहीं चलता कि कब हमारा आधा घंटा, 15 मिनट, एक घंटा ऐसे ही गुजर जाता है। वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ एप्स वाइसली। हमें एकदम शांति से, और हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कि हमने अगर 10 मिनट बोला है तो 10 मिनट का अलार्म लगा दो, 10 मिनट तक रील स्क्रॉल करो, और 10 मिनट के बाद एक भी रील स्क्रॉल मत करो। वी मस्ट पुट आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द डेली यूज ऑफ दीज ऐप्स। हम सभी को अपने इस ऐप्स के जो ऐप्स है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती है, कभी कभी किसी से भी कोई भी बकवास करते रहते हैं। स्नैपचैट है, कभी भी उठा के उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर दिए, सेंड करना शुरू कर दिए, स्नैप भेजना शुरू कर दिए। दूसरा है यूट्यूब, देखते 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 कितने ही घंटों वीडियोस देख लिए, पता नहीं चलता है। कोई एक सीरीज़ या वेब सीरीज़ या कोई शुरू करो तो जब तक उसको ख़त्म नहीं कर लो आप रात भर जग के उस पर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लिया। आपने रात भर सोए नहीं, और आपका पूरी सुबह भी हो गई, और आपका पूरी रात की नींद भी चली गई, इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। इन कंक्लूजन, टाइम इज द वैल्यूएबल एसेट ऑफ लाइफ एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज दैट होल्ड ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। टाइम एक ऐसा वैल्यूएबल चीज़ है जो कि वापस कभी आने नहीं वाली। हम सभी को इस बात को समझना चाहिए, और इसको, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में। हमें
हर वक्त के हर एक लम्हे का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए हमारे फ्यूचर को देखते हुए। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अभी पढ़ाई लिखाई करें। अभी अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपके पास ये 10th का साल 12th का साल दोबारा नहीं आने वाला। टाइम वंस गॉन गॉन नेवर कैन नेवर कम बैक। एक बार वक्त चला गया दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सो इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूज इट वाइसली टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हम सभी को एक बार वक्त जाने के बाद वापस तो आता नहीं है। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अहम है ये समझना कि टाइम की वक्त की अहमियत को समझना और इसका प्रॉपर मैनर में यूज़ करना ताकि हम इससे कुछ ले सकें। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ यूट्यूब पर, अगर आप कोई अच्छा इन्फॉर्मेटिव पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपने उस 10 मिनट को जो आपने टाइम डाला यूट्यूब में, उससे आपने क्या सीखा? आपको नॉलेज मिल गया। आपने अगर एक हार्ट को समझने के लिए 10 मिनट का वीडियो देखा, तो आप 10 मिनट में ये समझ जाएंगे आराम से कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में वेन्स होती है, हार्ट में आर्टरीज होती है। सो ये आपको 10 मिनट का जो नॉलेज आपके लिए था, वो आपके 10th के पेपर में 12th के पेपर में आराम से बहुत अच्छा आपको देगा, आपको मार्क्स देगा। सो आपने 10 मिनट से कुछ निकाला, आपको कुछ मिला भी। लेकिन अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें, आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, आपका टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए हम सभी को। सो दोस्तों, टाइम इज द वैल्यूएबल एसेट ऑफ लाइफ एज आई सेड, और हमें टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसका फ्यूचर में अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए अच्छे फ्यूचर के लिए। सो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, इसको यूटिलाइज़ करें अच्छी चीज़ों में। मोबाइल भी अगर आपके पास, तो इसका यूटिलाइजेशन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे आप कुछ फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए इस पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।